आप देख रहे हैं APN वेब न्यूज, हर रोज एक नई खबर के साथ। अपना पंजाब वेब न्यूज, आपका अपना न्यूज चैनल। जय माता की। कल से माता रानी की नवरात्रि शुरू होने वाली है। माता रानी के नवरात्रों में कलश पूजा का क्या महत्व है और कलश पूजा कैसे की जाती है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी अमृतसर के राम दरबार के संचालक सतनाम जी ने, जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि कलश पूजा के बारे में उन्होंने क्या कहा। आप भी पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से सुने अमृतसर से नरेंद्र सेठी की विशेष रिपोर्ट। आज हम सतनाम जी से श्री राम दरबार के संचालक से बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रों में कलश जो है उसकी पूजा अर्चना क्यों की जाए। हाँ जी सतनाम जी, जो कलश जो आप करते हो जोत से पहले, उसकी पूजा करना क्यों जरूरी है? आज मैं कलश के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक लकड़ का छोटा सा ब्यूट लेना चाहिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछा कर उसमें 5 या 7 मुट्ठी चावल रखने चाहिए। चावल अक्षय कहते हैं, अक्षय टूटे मत हो साबित होने चाहिए। उस अक्षय को 7 बार उसके हिलाओ, वो 7 सितारा बन जाएगा। फिर उसके बीच में थोड़े से पुष्प रखकर कलश को बराजो। कलश जो है लोग स्टील का रख लेते हैं, स्टील निकल किया हुआ लोहा होता है और लोहा शनि होता है, और शनि की और माँ की इसको जो योग कुंभ है वो नहीं होना चाहिए। इसमें मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, मिट्टी का कलश जो हमने यहाँ बराजे हुए हैं ये होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि मिट्टी के कलश को पहले 2-3-4 घंटे के लिए उसमें पानी भर देना चाहिए, वो मिट्टी का जो है वो चूस लेता है। जब उसके बाद उसको जल डालोगे तो वो जल वहाँ फिर द्वारा नहीं निकलता। अगर तांबे का हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो पीतल का, लेकिन लोहे का स्टील का जो सब रखते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसमें एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए और इसमें एक सुपारी होनी चाहिए, 5 लौंग और 5 इलायची बीच में डालनी चाहिए, और इसके बीच में 5 या 7 सिक्के डालने चाहिए। अगर चांदी का सिक्का हो तो वो एक ही डालना चाहिए। ये हम बाद में बताएंगे कि इस सब को क्या करना है। और इसके ऊपर एक छोटा सा बर्तन, इसको कवच कहते हैं, ढक्कन रखना चाहिए। अगर मिट्टी का हो तो मिट्टी का लाएं, दूसरा हो तो उसके ऊपर तांबा पीतल छोटी प्लेटें अलग मिलती हैं वो रख दी जाएं। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा पात्र प्लेट रखें, फिर उसके ऊपर एक मुट्ठी साबुत चावल भरें। फिर चावल भरने के बाद फिर उसके बाद एक नारियल लें, नारियल अगर सूखा हो तो वो भी चलेगा। और श्री फल को कहते हैं जो पानी वाला होता है, सूखे में ऐसे अंदर मोली लगाकर ऊपर ये चुनरी चढ़ाकर इसको 3 बार घुमाना चाहिए और 3 ही घंटे। ये 3 बार का भी अर्थ है माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ चंडी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये इसलिए तीनों को हमने विराजमान करना है कलश में, इसलिए इसको रखना चाहिए। सारी तो नहीं रखेंगे, अपने अपने नियम से अपने अपने हिसाब से हर कोई रखता है। उसके बाद गणेश जी भी विराजमान करने, गणेश जी कौन से विराजमान करने, खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी बैठे ही होने चाहिए। क्योंकि ये मूर्ति जब रखते हो नवरात्रों में, आगे जो आने वाले नवरात्रे, आने वाली जो दीपावली है उसमें यही विराजमान आपके रहेंगे। सब देवता को आपने वापस भेजना है, लेकिन गणेश लक्ष्मी को आपने यही कहना कि माँ विराजो, गणेश जी आप विराजो, हमारे संकट दूर करो, विघ्न हर्ता श्री गणेश। अच्छा, ये जो आपने शुरू किया, अब वहाँ आ जाते हैं, आपने कलश रख लिया, लेकिन कलश रखने का भी पूरा ध्यान देना कि माँ लक्ष्मी की पूजा रखने के बाद, फोटो चित्र रखने के बाद फिर उसको भी चुन्नी चढ़ाओ, उसकी चुन्नी चढ़ाकर फिर इसको कलश के ऊपर चुन्नी चढ़ाओ। इसको रखने का हमेशा ठाकुर जी माँ जो भी है उसके दाएं हाथ हो और तुम्हारा हाथ लेफ्ट हैंड होगा। जब ठाकुर जी को रखना है, इसको विराजमान करना है, जब ये सारा कार्य आपने रख लेना है तो ये कुंभ आपका चालू हो गया। उसके बाद फिर आपने अखंड ज्योति जलानी है। फिर अखंड ज्योति जब जलानी है उसमें भी थोड़े चावल भर लेने हैं, और चावल भरने के बाद अखंड ज्योति जलाने के बाद माँ की अपार कृपा ज्योति जलेगी। फिर उसको पुष्प माला सब कुछ रखने के बाद, अब ऐसी चीज़ें मैं गुप्त बताता हूँ, मैं गुप्त चीज़ें आपको 4-5 हर वीडियो में बता रहा हूँ। इस बार तो जो गुप्त नवरात्रे हमेशा जो आते हैं, ये नवरात्रे क्योंकि 4 बार नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 1 चैत्र के होते हैं और 1 जो अशु के नवरात्रे आते हैं। ये 4 नवरात्रे, 2 इसमें जो विद्यावान है, जो सब दुनिया मानती है। असल में 7 दिन में ही दुर्गा स्तुति पढ़नी पूर्ण करनी चाहिए,
चीज़ा जिसमें सुइयाँ, चार गीटे, एक गेंद और उसके साथ मेहंदी, कंघी, शीशा, माँ का जो मेन सामान माता का होता है उस छोटे से लफाफे में डालकर कुछ और फल और थोड़ी सी माला और चुन्नी। चुन्नी का अर्थ क्या है? ये कंजकों को देनी है। लेकिन आज कल नौ कंजकें पूरी नहीं होती, मैं छोड़कर बताना चाहता हूँ कि आप नौ कंजकों के बदले में एक दो कंजकर पहले को बैठा कर बाकी सारा आसन बैठा कर पहली को दे दो, दूसरी को दे दो, बाकी सब आसन में रख दो। जब सारा काज पूर्ण होगा उसको विराजमान कर लो। जब वो कंजकें इधर उधर से घूमकर आती हुई आपको दिखाई देंगी, सारा दिन कंजकों का होता है, फिर वही जो कंजक आपने पूजन में रखी थी आसन में वही उठाकर नौ कंजकें पूरी कर दो। और दसवीं कंजक वो पहली वाली को देकर जो आपने सिक्का रखवा, सिक्के के बगैर कंजक पूरी नहीं होती। आप 101 100 रखें, 200 रखें, 10 रुपये रखें, लेकिन 1 रुपया जरूर रखने। फिर उस कंजक छुट्टी को बोलो कि ये सारा सामान कार्य तुम्हारा, उसके जो कंजक है मोली बांधकर मुझे खजाना दे दो। वो खजाना आपने लाल लिफाफे में, लाल कपड़े में डालकर अपने खजाने में रखना। आने वाले 6 महीने में आपको पता लगेगी कि आपके नवरात्रे पहले कैसे थे और आगे कैसे थे। जयकारा शेरावाली दा बोल सांझे दरबार की।